हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं अपना टैग विद एमजी। तो दोस्तों, क्या आप सभी का मोबाइल कभी चोरी हुआ है? चलो छोड़ो, कभी ये तो हुआ ही होगा कि आप ही का ही मोबाइल आपको अपने घर में नहीं मिल रहा हो और फिर वो भी साइलेंट मोड पे, फिर आप परेशान। चलो ये भी छोड़ो, ये तो पक्का ही हुआ होगा कि आपके किसी दोस्त ने आपका फ़ोन ले लिया हो या मतलब छुपा लिया हो और उसको फिर साइलेंट मोड पर रख दिया हो, फिर आप परेशान ढूंढ ढूंढ कर। तो बस इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप सभी के लिए ढूंढ के लिए क्या काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन। अगर आप भी जानना चाहते हो उस एप्लीकेशन के बारे में तो इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूर। तो उस एप्लीकेशन का नेम है फाइंड डिवाइस। तो दोस्तों, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखी है, आप वहाँ से इसको जाके डाउनलोड कर लेना और इसकी पूरी प्रोसेस अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाकर आप सभी को मैं पूरा समझाता हूँ। तो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैंने पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है इसलिए आपको मैं डायरेक्ट खोल के दिखाता हूँ। फाइंड डिवाइस मैंने क्लिक करा दोस्तों, ये थोड़ा सा कुछ इंटरफेरेंस है। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फाइंड माई डिवाइस, के नीचे जस्ट लिखा हुआ है बाय गूगल प्ले प्रोटेक्ट। मतलब ये कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है, बिल्कुल ट्रू एप्लीकेशन है और बिल्कुल ट्रू लोकेशन आपको बताएगी जिसकी भी आप जीमेल आईडी से आप सर्च करोगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एक तो आ रहा है कंटिन्यू एज मयंक और साइन इन एज अ गेस्ट। इसी मोबाइल में मेरी एक ईमेल आईडी लॉगिन है पहले से, इसलिए एक तो मेरा नाम आ रहा है और अगर मैं किसी की ईमेल आईडी से देखना चाहता हूँ या किसी और की लोकेशन देखना चाहता हूँ तो साइन इन एज अ गेस्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अभी तो आपको मैं अपने कंटिन्यू एज मयंक पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है। तो मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू एज मयंक पे। अब ये बोल रहा है पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने मेरे मोबाइल की नाम बता दिया, जियोनी M5 लाइट मेरे मोबाइल की मॉडल नंबर है और जियोनी कंपनी का है तो उसने बता दिया स्क्रीन पे। बैटरी मेरे मोबाइल में बैटरी कितनी है अभी प्रेजेंट, उसने वो भी बता दिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ मेरी ही मोबाइल की नहीं, अगर आप किसी भी मोबाइल की जीमेल आईडी और उस इंसान का पासवर्ड जीमेल वाला ले लोगे और इसमें आप डालोगे फाइंड माई डिवाइस के अंदर, तो ये सबकी लोकेशन बता देगा, यहाँ तक कि ये बता देगा कि इसमें बैटरी कितनी है उसके मोबाइल में अभी। अब जैसे कि अभी ये मेरी लोकेशन नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि मेरी लोकेशन ऑफ है। तो आपके सामने अभी मैं अपनी लोकेशन ऑन करता हूँ, इसको रिट्राई करता हूँ, ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि कहाँ पे ये मोबाइल अभी प्रेजेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लो या तो आपका कभी कोई फ़ोन मिल नहीं रहा हो या आपको फ़ोन मान लो या तो कभी चोरी हो गया हो, और अगर चोर वाले बंदे ने आपका फ़ोन अगर स्विच ऑफ नहीं किया होगा और आपके फ़ोन की लोकेशन चालू होगी तो आप किसी और दूसरे मोबाइल के अंदर ये फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और जो फ़ोन चोरी हुआ है उसमें जो ईमेल आईडी प्रेजेंट है एट दैट टाइम, उस जीमेल आईडी को उस ऐप में डालकर और अपनी लोकेशन आप पता लगा सकते हो इजीली। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलो या कहीं घूमने जाओ तो अपनी मोबाइल की लोकेशन ऑन करके जाना। अगर मान लो आपका फ़ोन कभी चोरी होता भी है बाय चांस, तो कम से कम आपको अपने फ़ोन की लास्ट लोकेशन मिल जाएगी। अगर फ़ोन चोरी नहीं हुआ तो कम से कम या तो कहीं गिरा होगा तो वो मिल जाएगी आपको लास्ट लोकेशन। तो आप अपनी लोकेशन कभी भी जब घर से बाहर निकलो इस लोकेशन को हमेशा चालू करके रखना। और आप चाहते हो जैसे कि आपका फोन मान लो आपको कभी मिलता नहीं है तो उसमें देखो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है प्ले साउंड, अगर आप प्ले साउंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिंग करने लग जाएगा भले आपका वो फोन साइलेंट पे हो। जैसे मेरा फोन अभी साइलेंट पे है, मैं प्ले साउंड पे क्लिक करूंगा तो ये प्ले होने लग जाएगा, जैसे कि दिखाता हूँ आपको मैं प्ले साउंड पे, दोस्तों ये इसकी ट्रू एप्लीकेशन है, बिल्कुल फॉल्स एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी अपने फ़ोन को लॉक करना, अगर आपका फ़ोन मान लो किसी चोरी कर लिया है तो आप लॉक पे क्लिक करके अपने फ़ोन को तुरंत लॉक भी कर सकते हो। अगर आप चाहो कि अपना सारा डेटा इंपॉर्टेंट डेटा और आप चाहते हो उसको इरेज करना तो यहाँ पे इरेज का भी ऑप्शन है, आप इसको इरेज पे भी क्लिक करके इरेज कर सकते हो। तो दोस्तों, काफ़ी ट्रू एप्लीकेशन है और ये काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन होती है किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर आपके लिए साबित हो सकती है बेहतर एप्लीकेशन। आप फाइंड माई डिवाइस के बारे में मुझे पता है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, बिल्कुल काम आने वाली एप्लीकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me.